वेलकम टू ज्योति पब्लिक स्कूल टुडे आई टीच अबाउट द हिंदी सब्जेक्ट लेसन फर्स्ट प्रार्थना आज मैं आपको प्रार्थना समझाऊंगी प्रार्थना चैप्टर पार्ट एक देख लीजिए विनती सुन लो मेरे प्रभु हमको दृढ़ विश्वास दो श्रद्धा भक्ति बड़े चरणों में जनसेवा की प्यास दो जैसे कि चैप्टर नाम का ये प्रार्थना तो इसमें कुछ लोग जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि हे है प्रभु हमारी विनती सुन लो और हमको दृढ़ विश्वास दो मतलब दृढ़ विश्वास का मतलब होता है कॉन्फिडेंट ठीक है कोई चीज़ को जो हम करते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंट तो चाहिए होता है ताकि हम उस काम को सही प्रकार से सही समय पे पूरा कर सकें तो वही वही कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि है प्रभु हमको जो है दृढ़ विश्वास दो दृढ़ दृढ़ विश्वास दो ताकि श्रद्धा भक्ति आपके चरणों में जो है बढ़े और हमें जन सेवा की प्यास दो जन सेवा के प्यास दो का मतलब है इस लाइन का कि हमें लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर करो मतलब मोटिवेट करो कि ताकि हम लोग जो हैं जन लोग यानी कि लोगों की सेवा कर सकें ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए दीन दुखी नंगे भूखों को अपने गले में मैं निधि मिले कुबेर को से उन पर तुरंत चढ़ाऊं में मतलब कि फिर प्रार्थना में ये लोग बोलते हैं कि हे भगवान जी हमें दीन दुखी दीन दुखी नंगे भूखों को हम अपने गले लगाएं मतलब कि जो गरीब है और जो मतलब दुखी है उनको मैं गले लगाऊँ गले लगाऊँ का मतलब उनकी मैं हेल्प करूँ गले लगाओ ये हेल्प करू जो उनको नीड हो उनको मैं प्रोवाइड करूँ आवश्यकता जो उन्हें मैंने जो उन्हें आवश्यकता है मैं उन्हें दूँ नौ निधि मिले कुबेर कोष से नौ निधि का मतलब होता है नौ रत्न कुबेर कोष मतलब धनपति जहाँ पे वो सारी धनपति जिनके पास होते है उन्हें बोलते कुबेर कोष आपने टीवी में एड भी सुना गया लीजिए कुबेर कोष पैसों की लक्ष्मी की बारिश कीजिए यही कुबेर कोष मतलब धनपत्ति ठीक है नौ निधि मिले कुबेर कोष से नौ रत्न मिले कहाँ से मिले कुबेर कोष से उन पर तुरंत चढ़ाऊँ उन पर किन पर दीन दुखी नंगे भूखों पे मैं चढ़ाऊँ मतलब नौ रत्न अगर मुझे मिल जाए कुबेर कोष से तो इन्हीं लोगों को चढ़ा दूँ इन्हीं लोगों को दे दूँ ताकि इनकी मदद हो सके किनकी मदद हो सके दीन दुखी नंगे भूखों की ओके देन थर्ड पैराग्राफ देखिए हो अछूत की बात जहाँ एक जी, फिर हो गया क्या हो हो अछूत की बात जहाँ तुम कान मेरे बहरे कर दो पृथ्वी हर मानो की हो ये हृदय भाव गहरे कर दो मतलब जहाँ पे भेदभाव होते हैं अछूत से अछूत का मतलब क्या होते हैं मतलब जिनसे शुरू से, से होता है उनसे भेदभाव होता आ रहा है उनको ही हम बोलते हैं अछूत ठीक है जहां पे अछूत की बात होए वहाँ पे तुम मेरे कान बहरे कर दो मतलब जहाँ पे अछूत की बात चले मेरे कान बहरे कर दो मुझे पता ही नहीं चले कि यहाँ पे कौन है बहरा कौन है क्या मुझे पता ना चले ठीक है पृथ्वी हर मानव की हो हर हर हृदय भाव गहरे कर दो ये जो अछूर लोग होते हैं इनसे ना पहले तो भेदभाव बहुत होता है ठीक है इसी भेदभाव को मनुष्य जो देखो भेदभाव होता है तभी तो ये लोग गरीब रह जाते हैं ठीक है अगर इनसे भी भेदभाव ना हो इनको भी समान नज़र से देखा जाए तो ये भी हमारी तरह बराबरी आएंगे ठीक है तो वही प्रार्थना में लोग करते कि जब भी अछूत की बात आए तो मेरी कान बहरे कर दो पृथ्वी पर सभी का हक हो मतलब पृथ्वी जो है सभी सभी के है किसी एक बंदे के लिए जरूरी नहीं है रिचेस्ट मैन की हो अमीर बंदू की हो ना इसमें गरीब बंदा सबके मतलब इक्वल है ठीक है किसी की ज़्यादा किसी की कम नहीं सबकी इक्वल है ठीक है हर मानव की पृथ्वी है हर हृदय भाव गहरे कर दो और सबके हृदय भाव गहरे कर दो का मतलब कि जैसे लोग जो है सोचते हैं सोते कि पृथ्वी सिर्फ मेरी है मेरी ऐसा नहीं सबकी है ठीक है तो हृदय भाव गहरे कर दो ठीक है ये इस पोएम में कहा गया है आज आपको होमवर्क क्या सुन लीजिए आज आपको होमवर्क क्या करना है ये नए शब्द हैं वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन टेन ये सेवनटीन आपको मैंने नए शब्द दिए इसको थ्री टाइम्स लिखना है जरा ध्यान से लिखना देख के और सर ने पी डी भेजिए उसे आप लोग देख लेना उसी में से देख के करना ठीक है और ये आपको थ्री टाइम्स करना है नए शब्द ओके स्टूडेंट थैंक यू